मैं रफ्तान बिरानी, आप देख रहे हैं बपरा एक्सप्रेस। सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो देश में महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी। अभी 110 रुपए का पेट्रोल आपने खरीदा, 100 रुपए का डीजल खरीदा, 250 रुपए का सरसों का तेल खरीदा, 300 का टमाटर खरीदा, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, तो बटो नहीं, कटो नहीं, मिलकर भाजपा को हराओ, सारे लोग इकट्ठा होकर भाजपा को हराओ। और मैंने तो नारा भी दिया है आज महाराष्ट्र के अंदर, न बटिए न कटिए, मिलकर भाजपा को रपटिए। सर कल थाने में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि 25 नवंबर से विंटर सीशन शुरू होगा, इस दौरान वर्क अमेंडमेंट बिल एक्ट आएगा, इसमें अगर विरोधी दल के नेता ने आक्षेप लिया तो हम जबरदस्ती इस बिल को पास कर लेंगे। आप जेपीसी के सदस्य है, किस तरीके से देखते हैं? देखो ऐसा है कि धार्मिक संस्थानों की जमीन को कब्जा करके अडानी को देने का मकसद है नरेंद्र मोदी जी का। इन्होंने अभी 13,000 एकड़ जमीन, भारत की सेना की जमीन अडानी को दे दी अयोध्या में, जैन धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल पे व्यवसायीकरण शुरू कर दिया था झारखंड के अंदर, उसका भी हमने विरोध किया। ये वक्फ बिल जो है ये कोई मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं लाया जा रहा है और न देश की भलाई के लिए लाया जा रहा है, ये देश के अमन चैन को बिगाड़ने के लिए और धार्मिक संस्थानों की जमीनों को कब्जा करने की एक शुरुआत है। ये मत समझिए कि सिर्फ मस्जिदों की जमीन ये कब्जा करेंगे, आगे मंदिरों की भी करेंगे, गुरुद्वारों की भी करेंगे, चर्चों की भी करेंगे, और इनका मकसद है सारी जमीन उठा के अडानी को देना। अभी आपने देखा मुंबई के अंदर धारावी में क्या किया इन्होंने, 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान सह के भी ये अडानी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं धारावी का। तो इसलिए वक्फ बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये तीनों लोग भी इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि ये इस देश के अमन चैन के खिलाफ बात होगी अगर ये बिल पास होता है। लाडली बहन योजना जो आई है, मैं चुनाव के टाइम योजना लेकर आई गई, ऐसा उससे अच्छी योजना तो महिलाओं को लुभाने के लिए जो है महाविकास अघाड़ी की योजना, देखिए ये तो कठपुतली सरकार है, तो जा रही है, इनकी किसी योजना पे ध्यान मत दीजिए। शिंदे बीजेपी के कठपुतली है, वो तो अब वापसी है उनकी, जा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए अभी जो आगे योजना आ रही है वो है 3,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं के लिए, 4,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, 25,00,000 रुपए का स्वास्थ्य का बीमा परिवार का, किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं के लिए बस की यात्रा मिली, ये योजना है महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र में अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो जिस तरीके से महाराष्ट्र का माहौल खराब किया गया था, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाया गया था, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखो ऐसा है, देश का कोई भी हिस्सा कानून के मुताबिक चलेगा, गुंडागर्दी से किसी को दबा के देश का माहौल खराब करके नहीं चलेगा, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसके लिए दोषी है, माहौल बिगाड़ने के लिए, अमन चैन बिगाड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके काफी करीबी माने जाते हैं, आप मुमरा जब समीम भाई इस पूरे अभियान में और पहले से भी जितेंद्र वार्ड जी के चुनाव में इनकी प्रमुख भूमिका रही है, ये पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ काम भी करते हैं, वोट भी दिलवाते हैं, चुनाव भी जितवाने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो इनको और इनके सभी साथियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में आए हुए, लगातार जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे, चाहे उत्तर प्रदेश ले चाहे दूसरा राज्य ले, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे, तो क्या उनके पास कोई काम नहीं है ना, क्या करेंगे वो? अगर स्कूल पे बात करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कितना स्कूल बनाया नहीं बनाया, अस्पताल पे बात करेंगे बताना पड़ेगा, महंगाई पे बात करेंगे बताना पड़ेगा, तो जब कोई काम नहीं किया है तो ये इसी तरह की फालतू बातें करेंगे, बटोगे कटोगे। मैं तो कह रहा हूँ लोगों से कि बटोगे तो जेब कटेगी, बटो नहीं मिलके बीजेपी को हराओ चले।